हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में महात्मा गांधी जी की आउटलाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा और इसके नेक्स्ट पार्ट में शेडिंग पार्ट भी आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पर ग्रिड मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियोज़ को पहले से ही फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा ग्रिड लाइन किस तरह से बनाते हैं। फिर भी मैं बोल देता हूँ जो भी न्यू है उन लोगों के लिए, मैं इस ड्राइंग को करने के लिए A4 साइज की ड्राइंग पेपर यूज़ कर रहा हूँ और उसके चारों तरफ 3 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क कर रहा हूँ, लाइक 3, 6, 9, 12, 15, 18, और उसके नीचे भी सेम वही करना है। बाकी की दोनों तरफ भी सेम वही 3 सेमी छोड़ छोड़ के ही मार्क करना है, बट इस बार लेंथ ज़्यादा होने की वजह से 27 सेमी तक करना है। बस इसी तरह से चारों तरफ मार्क कर लेने के बाद ऊपर और नीचे वाला दो डॉट्स को एक सिंगल लाइन में मैच करते जाना है। तो आप लोग ध्यान से देखना मैं किस तरह से कर रहा हूँ। और गाइस, ग्रिड लाइन बनाने के लिए आप जितना हो सके लाइट पेंसिल का यूज़ करना, लाइक 2H HB पेंसिल, और बिल्कुल प्रेशर को अप्लाई मत करना क्योंकि आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद ग्रिड लाइन को इरेज भी करना पड़ता है। ओके, अभी आप लोग देख सकते हो डिफरेंस फोटो में ग्रिड लाइन के ऊपर 1, 2, 3, 4 करके नंबर्स लिखा हुआ है। इसी चीज़ को मैं ड्रॉइंग पेज में भी ऐड करूंगा। ये करने से कौन सी बॉक्स में कौन सी फीचर है वो फाइंड करने में हेल्प होगी। ओके, अभी मैं हर बार की तरह इस बार भी आईसेस ड्राइंग को स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग रेफरेंस फोटो में देख सकते हो आई ऊपर से 4th नंबर पोजीशन पे और साइड से 5th नंबर पोजीशन पे। इसी चीज़ को मैं ड्राइंग पेज में भी फाइंड करूंगा। तो ऊपर से 4th नंबर बॉक्स और नीचे से 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर, यहाँ से ड्राइंग को स्टार्ट करना है। और गाइस, रेफरेंस फोटो की ग्रिड और ड्राइंग पेज की ग्रिड इस तरह से मैच कर लेना तो आप बहुत ही इजीली रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर पाओगे। तो बस इसी तरह से कौन सी बॉक्स में आई है, कौन सी बॉक्स में नोज है, कौन सी बॉक्स में लिप्स है, ये फाइंड करना है और अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके ड्रॉ करते जाना है। और गाइस, एकदम हल्के हाथ से और धीरे धीरे ड्रॉ करना, और फाइनल होने के बाद आप प्रेशर को अप्लाई कर सकते हो। मुझे ये ड्राइंग करने में टोटल 90 मिनट्स का टाइम लगा था और ये वीडियो 5 मिनट्स की है। तो आप लोग समझ सकते हो ये वीडियो कितना फास्ट है और बीच बीच में कितना कट है। तो वीडियो देखकर फास्ट ड्रॉ करने की कोशिश भी मत करना, आप वीडियो को पॉज करके ड्रॉइंग कर सकते हो। तो बस अभी मैं किस तरह से कर रहा हूँ आप लोग अच्छी तरीके से फॉलो करिए और आप लोग भी इस ड्रॉइंग को करने की कोशिश करिए। तो नाउ आप लोग देखो, एंजॉय द ड्रॉइंग वीडियो।
सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और कुछ सीखने को भी मिला होगा, तो एक लाइक जरूर से ठोक देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।